अस्सलाम वालेकुम विसन साहब, आपने वालेकुम अस्सलाम। आप बुलाया मुझे। आप बैठो जी। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जी सर, कहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोशन दी जाए। So congratulations, you are now the head of projects. Thank you. Thank you, sir. मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तुम बहुत मेहनती हो फरहाद, और अपनी मेहनत की वजह से यहां तक पहुंचे। और हाँ, कंपनी ने तुम्हें गाड़ी देने का भी फैसला किया है, जो इंशाल्लाह कल तक तुम्हें मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया अदा मेरा नहीं, अपनी माँ का करूं। ये सब उनकी दुआओं का नतीजा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काश तुम्हारी मोहब्बत यहाँ होती, उनके साथ ये प्रमोशन सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और होता। मेरी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ ही होती है मिसन साहब, मैं कभी भुला ही नहीं हूं। एक सवाल पूछूं तुमसे? जी मिसन साहब, प्लीज पूछिए। पहली मोहब्बत नहीं भुलाई जा सकती ना? वो मोहब्बत ही क्या जो बार बार हो जाए? जो मोहब्बत बार बार होती है, मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है मिसन साहब। परसों उसका वलीमा है, शायद उसने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। मैं जानता हूं उनका वलीमा है, लेकिन आपको तो इनवाइट किया होगा उन्होंने। पर ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो मोहब्बत की शिद्दत मैंने अपने अंदर महसूस की है, वही शिद्दत मैंने वफा जी की आंखों में आपके लिए देखी है। बहुत लकी इंसान है सर आप, वरना मेरी मोहब्बत तो सिर्फ हसरत बन के रह गई है। लेकिन आपके लिए सर, आपकी मोहब्बत अभी भी वजूद की शक्ल अख्तियार कर सकती है। एक एक बात कहूं मिसम साहब, आपने वफा जी को छोड़कर अच्छा नहीं किया। वफा जी दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। तुम जरूर आओगे, आई विल बी वेटिंग।